अस्सलाम वालेकुम, शादी नाकाम जा रही है या शादी करने से डर रहे हैं? मैं डॉक्टर असलम नवीद, मेंस केयर क्लिनिक कराची से। मैं 1 लाख से ज़्यादा मरीज पिछले 35 साल में देख चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों जोड़े अल्लाह ताला ने उनकी शादी बंधन टूटने से महफूज रखी। मुझे अफसोस होता है कि जोड़े मेरे पास आते हैं कपल, तो वो जगह जगह से मेडिसिन खा के विदाउट डायग्नोज, वो डायग्नोज ही नहीं करवाते। तो आप परेशान ना हो। अच्छा, आम तौर पे जब पेशेंट आते हैं मेरे पास तो वो इस राय का इजहार करते हैं कि, और ये बहुत बड़ा मिथ है, इस मिथ से, इस अफसाने से, इस मफरूजे से आपको निकलना होगा। वो क्या मिथ है कि जी मेडिकल साइंस में तो इसका इलाज ही नहीं है। भाई ये प्रोपेगेंडा है, दानिश्ता फैलाया जा रहा है। जो लोग डायग्नोज तक नहीं कर सकते हैं वो आपका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अजीब बात है, दुनिया साइंस की बुनियाद पर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऊंट के जरिए सफर की बजाय जहाज पे जा रहे हैं, खत कबूतर को देने की बजाय आप व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। मेडिकल साइंस ये कुछ कर सकती है? साइंस मेडिकल में कुछ नहीं कर सकती। मैं दुनिया के 26 मुल्कों में गया हूँ और वहां से इसी सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए एक से एक लेटेस्ट मशीनें पड़ी हैं और मैंने वो सब एक एक करके ला के अपने क्लिनिक पे फिट कर दिए हैं और मैं सर्विसेज दे रहा हूँ और बेहतरीन सर्विस जा रही है और उसमें यानी हजारों जोड़े जो हैं वो अल्लाह ताला ने महफूज किए हैं। अच्छा, अब इन मशीनों से जितना भी जिंसी अमराज हो गए या औलाद बे औलादी होगी उनके टेस्ट भी होते हैं, रगे पट्ठे आसाब हारमोन सब चीज़ें चेक हो जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट के लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अच्छा, कुछ लोगों में तो जिस्मानी नुक्स होता ही नहीं है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो कोई नुक्स ही नहीं होता उनमें, सारे टेस्ट क्लियर होते हैं, तो उनका सिर्फ मसला नफसियाती होता है और उन्हें किसी दवा से फायदा नहीं होगा, वो काउंसलिंग से ठीक होंगे। उनको ट्रेनिंग देनी होती है, काउंसलिंग देनी होती है। दो तरह के इल्म है जो आम तौर पे शादी नाकाम करने में, एक 14 साल की उम्र से सीखा हुआ जवानी तक और एक इंटरनेट का। वो जो अब 14 साल से सीखना शुरू करते हैं वो होता है अपने जैसे लोगों से सुना हुआ, अपने जैसे बच्चों से, लड़कपन में, और जो नेट पे पढ़ा हुआ है वो कंट्रोवर्शियल है, मुतजाद है, वो कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज कर रहा है, वहाँ ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिलता है उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी एक वजह है जो वहाँ फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर मूवीज देखते हैं, पोर्न मूवी में कंपैरिजन करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बहुत सारी वजूहत हैं, इसे रूल आउट करना होता है कि आपकी वजह क्या है। पर्टिकुलर कोई दवाई ऐसी नहीं है जो हर इंसान को फिट बैठती हो, हर इंसान की वजह अलग होती है। वो उस वजह के मुताबिक जब तक वजह तलाश नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज कैसे मुमकिन है। अच्छा, जिनमें वो वजह नहीं निकलती, जिस्मानी नुक्स नहीं होता, उनके लिए फिर जब हम काउंसलिंग देते हैं तो काउंसलिंग में मेरी गारंटी मौजूद है, यानी शफा तो कुदरत ने देनी है, लेकिन मेरी जो काउंसलिंग है, जब मैं काउंसलिंग किसी को देता हूँ सुबह ऐलान कर देता हूँ कि अगर आपको लगे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे काउंसलिंग खत्म होगी, 4 बजे तक भी अगर किसी को लगे कि उनकी पेमेंट ज़ाया हो रही है, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, वो अपनी फुल पेमेंट लेकर के वापस जा सकते हैं। वो इतनी जबरदस्त कामयाब है, लाइफ चेंजिंग है, आपकी जिंदगी बदल देगी, आप यू टर्न ले जाएगी लाइफ, आप टेंशन से निकल के खुशियों में आ जाएंगे। और सिंगल डे में, लंबी चौड़ी नहीं है कि कई कई दिन से कई कई सेशन, सिर्फ एक दिन की काउंसलिंग है मेरी। रब्ता करना चाहे तो नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पे, इस पे रब्ता करें। और अगर फिजिकली एड्रेस मेंस केयर क्लिनिक 805 आल खलील टावर नियर मेडिकेयर हॉस्पिटल मेन शहीद मिलत रोड कराची, दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।